गुरु स्किल की तरफ से अपने तमाम देखने वालों के लिए आज नई अपडेट और स्किल लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है इस स्किल और अपडेट से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। रुकिए, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल गुरु स्किल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहें। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आपको आज की अपडेट और स्किल के बारे में तफसीली बताया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है शेप्स। आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं जो कि आपको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उसमें आपके एरोज, कैलॉट्स, स्क्वायर्स, स्टार्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह की शेप जो होती हैं ये सारी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में भी ऐड कर सकते हैं। और इसके आप नाम वगैरह या इनको कोई एड्रेस वगैरह या रिज्यूमे में मुख्तलिफ सेटिंग के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप जो फ्लो चार्ट्स हैं वो भी एज अ शेप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम में, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये आपके जो विजुअल अपील और क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपका जो शेप्स होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम इसको अनसर्ट करके देखेंगे किस तरह शेप्स को अनसर्ट किया जाता है और इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। इंसर्ट में अगर हम क्लिक करें मेन्यू पे तो यहाँ पे आपको क्लियरली ड्रा शेप की कमांड नज़र आ जाएगी। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की आपको शेप्स मिल जाएंगी। अगर मैंने ये एक शेप ली है, अब इसको आप इजली जो इसके हैंडलर हैं उसको पकड़ के आप इजली इसको शेप को कम, छोटा या बड़ा या रोटेट इजली कर सकते हैं। इस शेप का आप कलर अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कलर को आउटलाइन वगैरह कलर वो भी ये इसकी स्टाइल्स हैं प्री डिफाइंड वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप इजीली रिसाइज भी कर सकते हैं जो इसके साइजिंग हैंडल्स हैं, हाइट और विथ जैसे आपको बताई गई है या करके दिखाई गई है। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप भी कर लेंगे। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे एक या एक से ज़्यादा येलो शेप भी होती हैं जो कि आप उसमें हैंडलों के जरिए वहाँ पे भी चेंजिंग कर सकते हैं। एक तो साइजिंग हैंडलिंग होती हैं और कुछ येलो हैंडल्स होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आपकी जो शेप है उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकें। अब इसके हवाले से आप इसको फ्रंट बिहाइंड टेक्स्ट भी ला सकते हैं या इसके जो ऑर्डर्स हैं उनको तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि शेप जो हैं मुख्तलिफ किस्म की एक दूसरे के ऊपर भी शो हो रही होती हैं या वो करेक्टर्स आपका जो डाटा है उसके फ्रंट या बैक पे भी शो हो रही, वो कैसे होंगी। रैपिंग टेस्ट बिहाइंड टेक्स्ट अगर मैं ये करूं और इसको बैक पे ले जाऊं तो ये देखेंगे ये जो आपकी शेप है ये इसके बैक पे चले गई है। अगर आप अगेन रैपिंग टेस्ट करके थ्रू करेंगे तो ये देखेंगे उसने खुद ब खुद अपनी
जो प्लेसमेंट है आपकी जो टैक्स के यहाँ बनती थी उसने उसको एडजस्ट कर दिया है। अब मुख्तलिफ किस्म की शेप को आप उसकी फॉर्मेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं और उनके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, उनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं और इसको आप मुख्तलिफ किस्म के फील दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आउटलाइन चेंज करके दिखाई है, इसका कलर चेंज करके दिखाया है, तो आप प्रैक्टिस करें। आप इसकी हाइट विथ कलर और जो भी इसकी लाइंस है स्टाइल्स है वो इजीली आप चेंज कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको फॉर्मेट टैब पर जाके यहाँ शेप आउटलाइन इसमें कमांड में आ जाएगा, यहाँ पे इसका शेप फिल है, ये इधर जाके आप शेप एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे शेप 3D इफेक्ट वगैरह इसको दे सकते हैं आप, शेडो वगैरह इजली आपको यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। ये कुछ शेप स्टाइल हैं जो ऑलरेडी स्टाइल्स दिए गए हैं प्री डिफाइंड, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर आप लाइंस वगैरह कलर या उसमें जो इसके डैशेस वगैरह हैं उसकी शेप्स हैं लाइंस की आउटलाइन की, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ वेव पे जाएंगे तो आप इसको लाइन को थोड़ा वाज़े या उसकी वेट वेट को बड़ा कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे चीज़ों को तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा 3D इफेक्ट भी आपको चेक करवाया गया है, किस तरह इसमें आप 3D इफेक्ट के साथ सेटिंग कर सकते हैं। शेप इफेक्ट में जाके ये हमारे 3D इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे 3D ऑप्शन आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देगी तो वो सेट कर देगी। यहां से आप इसकी विथ हाइट चेंज कर सकते हैं। थ्री डी रोटेशन में आपको काफी इसकी सेटिंग और इसको चेंज करने में काफी आसानी होगी। इसके अलावा आप इसके माउस के साथ आप इसकी बेवल और इसका डिज़ायर जो बेवल प्रीसेट है वो आप सारा इजीली परफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि आपको मैंने अभी वन बाय वन इसकी शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आप इसका इजीली सारा सेटिंग कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन पे अगर जाएंगे तो आप अपने डिजायर का, अगर ग्लो पे जाएंगे तो ग्लो पे आप अपनी मर्जी की उसको सेटिंग कर सकते हैं। मेन मकसद जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ या कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से असाइन होना है या उसको कैसे डिफाइन करना है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप नेक्स्ट जो आपके टास्क हैं, जो आपके ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी तरफ आप बढ़ते जाएंगे। टेक्स में टाइप करने के बाद आप इसको इजीली रिसाइज कर सकते हैं, इसमें आप चेंज कोई भी ला सकते हैं, इसको इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अपने रिक्वायर के मुताबिक आप जल्द ही इसको सेट कर लेंगे। जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब आपका ओपन हो जाएगा और जैसे इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एडिट शेप कमांड पे क्लिक करने से आप किसी भी मुतलका शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स था वो एक शेप्स में इस वक्त कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका बड़ा बेनिफिट होता है कि आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी की टेक्स्ट
शेप में चेंज कर सकते हैं, फिर उसको इजीली मूव कर सकते हैं और मूव करने में आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं पेश आती। मज़ीद आप इसको वन बाय वन डीपली थोड़ा चेक करके देखें तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं, सेम जो कोई भी शेप आप उसको कलर देते हैं। थ्री डी इफेक्ट भी यहां से दे सकते हैं आप उसको। तो मुख्तलिफ किस्म के जितने भी इसके रिलेटेड कैटेगराइज इसका फॉर्मेटिंग है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन वगैरह भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले शेप में चेंज करके दिखाई है। फिर आप इसके शेप स्टाइल जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं वो दे सकते हैं, शेडो वगैरह, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये आप राइट साइड पे ये सारा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसकी सेटिंग करते जाएं और ये आपको आपके जो मुतलका रिजल्ट्स हैं वो देता जाएगा। कोशिश करें इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा बोर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे महारत हासिल कर सकेंगे। बेसिकली ये उस वक्त चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा कोई एनिमेशन या कुछ प्रॉपर अपील करने वाले कोई सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये शेप्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके उसको मूव करने, उसकी सेटिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम वर्ड आर्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को पहले चेक किया, इसी तरह हम टेक्स्ट इनसाइड जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उसको वर्ड आर्ट कहलाता है, क्योंकि उसमें हम मज़ीद जो इफेक्ट्स हैं वो इंटर कर सकते हैं। सेम वही इफेक्ट होते हैं जो कि आप शेप्स वगैरह या टेक्स्ट वगैरह में ऐड करते हैं, और आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अ वेवी स्लांटेड और इन्फ्लेटेड लुक। ये इस पे मुख्तलिफ आप स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप सेम वही टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे वर्ड स्टाइल ग्रुप है, उस पर क्लिक करने से आपको मुतलका उस तरह का वर्ड स्टाइल ऑटोमेटिकली जो प्री डिफाइंड है वो मिल जाएगा। अगर आप मज़ीद रेगुलर टेक्स्ट को वर्ड आर्ट में करना चाह रहे हैं कन्वर्ट, तो उसके लिए यहाँ से टेक्स्ट हो कॉपी करें, इंसर्ट टैब पे जाके आप वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के प्री डिफाइंड वर्ड आर्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं ये वाला वर्ड आर्ट लेता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपकी जो टेक्स्ट है उस पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके बाद आप अगेन यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग, इसकी शेप फिल, शेप आउटलाइंस, 3D जो कि शेप को आपने ऑलरेडी
असाइन की थी चीज़ें, वो यहाँ पे भी आप इसको वर्ड आर्ट को सेम उसी तरह असाइन करके चेक कर लें। इसके बाद अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद फॉर्मेट कोई भी वर्क स्टाइल लेके तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप वर्क स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट, रिफ्लेक्शंस, ये सारी डिटेल के साथ आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। टेक्स्ट आउटलाइंस, टेक्स्ट फील, जो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक असाइन कर सकते हैं। इसमें आप वन बाय वन इन चीज़ों को डीपली चेक करें और कोशिश करें कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, ताकि मज़ीद आपको जो भी चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। गुरु स्किल्स की टीम पर उम्मीद है कि आज के अपडेट और स्किल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की हमारी कावेश पसंद आई हो तो जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा चैनल दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सब ही इलम से रोशनास होते रहें।